श्री रामावतार जी शर्मा का जन्म 4 जुलाई 1943 को मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र में आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन परशुरामपुरा के पुजारी की ढाणी नामक गांव में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे पंडित कजोड़मल मंगलचंद शर्मा तथा श्रीमती जकोरी देवी हनुमान प्रसाद की 9 संतानों में से चौथी संतान थे। उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में संपन्न हुई। इसके बाद अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना जीवन यात्रा प्रारंभ की। श्री रामावतार जी का जीवन बेहद सादगीपूर्ण और उच्च विचारों वाला था। उनका विवाह 1962 में पंडित रूप राम रघुवीर जी व श्रीमती जाना देवी हनुमान बख्श की 3 संतानों में से दूसरी संतान श्रीमती बनारसी देवी के साथ हुआ था। बनारसी देवी के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाने के कारण भोमपुरा निवासी उनके मामा पंडित गजानंद हनुमान बख्श जी और श्रीमती कमला देवी ने उनका लालन पालन पोषण व कन्यादान किया। श्री रामावतार जी 1964 में भारतीय सेना में भर्ती हुए और 1968 में उन्होंने फौज की यह नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वे नेपाल के विराटनगर में अपनी बुआ श्रीमती महादी ब्रिजलाल जी के पारिवारिक व्यापार में शामिल हुए, लेकिन वहाँ की जलवायु रास न आने के कारण शहाड़ स्थित सेंचुरियान में नौकरी की और यहीं से वे रिटायर हुए। उन्हें गौ सेवा में आनंद आता था और ड्यूटी के बाद वे इसी काम में लगे रहते थे। उनका अधिकांश जीवन उल्हासनगर के गायत्री धाम शक्तिपीठ परिसर में ही बीता। 31 अगस्त 2021 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी की रात्रि उन्होंने यह नश्वर संसार छोड़ दिया। सनातन संस्कृति के विधि विधान से उनकी 13 दिनों की वैकुंठ यात्रा संपन्न हुई। श्री रामावतार जी के परिवार ने 2 तारीख को तीये की विधि करके उनके छोटे पुत्र कैलाश के द्वारा हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करवाई। 5, 6, 7 और 8 तारीख को पंडित जी को बुलाकर गरुड़ पुराण का पाठ करवाया और 5 पंडितों को 5 दिनों के लिए उनके स्वयं के निवास स्थान पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जप और पाठ करने के लिए संकल्पित करवाया। निवास स्थान के बाहर 9 तारीख को दसगात्र और 10 तारीख को नारायण बलि करवाई। 11 तारीख को 12वें दिवस की सारी पूजा विधि के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाया। श्री रामावतार जी की गुरारे वाली श्यामा मौसी की बेटी श्रीमती कमला रामनिवास जी के सुपुत्र कल्याण निवासी अशोक कुमार शर्मा को श्री भगवान विष्णु के स्वरूप में पूजन करके सुख सेज की विधि पूरी करवाई गई। 12 तारीख को गरुड़ पुराण पूजन और तिलक पगड़ी की रस्म के बाद देव दर्शन के लिए मंदिर गए। 13 तारीख को छमाही की पूजा विधि के बाद में 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह इस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 20 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता।